तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पान का पेड़ है, भाई साहब इसको निकाल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए मनी प्लांट है, ले रहे हैं। तो दोस्तों आज का हमारा ब्लॉग यहाँ से शुरू हो रहा है। अभी हम आए हैं एक मोबाइल कंप्यूटर दुकान पे, जहाँ से हम ले रहे हैं एक ब्लूटूथ कनेक्टर, जिससे मेरी आवाज़ जो है वो काफ़ी क्लियर आ सके, और एक सेल्फी स्टिक, जिससे मेरी वीडियो और बढ़िया से बन सके। तो इसको लेने के लिए हम आए हैं बिहिया के एक दुकान पे, और वहाँ से हम लोग ख़रीद रहे हैं, जिसका काफ़ी पैसा लग रहा है, जो कि अभी एक भी रुपया कमाई नहीं हुआ है, तो पैसा ज़्यादा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा पैसा लग रहा है। तो अभी हम ले लिए हैं इसको, इसको लेने के बाद से अब टेस्टिंग हम लोग करेंगे कि इसका आवाज़ कैसा आ रहा है। तो चलिए अभी हम लोग ले करके, और अब हम लोग जा रहे हैं नर्सरी में, क्योंकि हम लोग को ख़रीदना है आम का पेड़। तो चलिए अब वहाँ पर चल के आपको दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग बढ़ गए हैं नर्सरी की तरफ, और वहाँ चल के आपको दिखाते हैं कौन कौन से पेड़ हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं भारत नर्सरी में, जो कि दुनिया में है, और अंदर चल के आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं कि कितने प्रकार के यहाँ पे पेड़ हैं, और इस नर्सरी की क्या खूबी है, और कितने अच्छे अच्छे पेड़ हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं भारत नर्सरी में, और यहाँ से हम लोगों को लेना है एक आम का पेड़, जो कि अपने द्वार पे लगाना है हम लोगों को। तो अभी ये जो भारत नर्सरी है, ये हमारे गांव से 12 से 13 किलोमीटर दूर बिहिया रेलवे स्टेशन के बगल में है, और इसी नर्सरी में हम लोग आए हैं आम का पेड़ देखने के लिए, और यहाँ से ले जा करके हम लोग लगाएंगे अपने घर पे। तो चलिए आपको भी थोड़ा दिखाते हैं कि इस नर्सरी में कितने पेड़ हैं, और किस किस क्वालिटी के पेड़ हैं, और कौन कौन से पेड़ हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ से, देखिए आम के पेड़ हैं, और अगर आपको लगाना है तो यहाँ से आप ले जा सकते हैं। यहाँ पे आम का पेड़ है, ज़्यादातर यहाँ पे आम का ही पेड़ है, और हमको आम का ही पेड़ लगाना है। और ये बहुत बड़ा नर्सरी नहीं है, लेकिन जितना में है वो बहुत बढ़िया है, बहुत खूबसूरत है, बहुत सारे वृक्ष हैं अलग अलग क्वालिटी के, लेकिन इससे ज़्यादा आम का ही पेड़ है। और इसका थोड़ा आपको बोर्ड दिखा देते हैं कि इस पर क्या लिखा हुआ है। आम, अमरूद, कटहल, अनार, मौसमी संतरा, सेब, काजू, सागवान, मतलब कि बहुत सारे पेड़ का इसमें तो नाम लिखा है, लेकिन अभी हमको उतने सारे क्वालिटी के पेड़ दिखाई दे नहीं रहे हैं इसमें। लेकिन अभी हम जा रहे हैं अंदर, तो थोड़ा बात करते हैं उनसे कि कौन कौन से पेड़ हैं इनके पास। तो कौन कौन से पेड़ हैं आपके पास अभी? जौन पेड़ वाले को तोड़ लीजिए, मतलब कि थोड़ा आप बताइए कि आपके पास बेस्ट मिली, दशहरी मिली, बम्बई मिली, हेमसागर मिली, सब आम मिली। मतलब कि आम के अलावा भी कोई कोई पेड़ है? अच्छा, दिखा रहे हैं समी का पेड़ है, और एक पेड़ हम लोगों को समी का भी ले जाना है यहाँ से, क्योंकि घर पे लगाना अच्छा रहता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए मनी प्लांट है, और बहुत सारे क्वालिटी के पेड़ हैं, और ये रहा इनका नर्सरी का पूरा बागान। अंदर में भी बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। हम लोग आए हैं, जो हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरी है वो है आम का पेड़, क्योंकि दोस्तों मतलब कि जब भी पूजा पाठ होता है घर में, या कभी कोई बगल वाला भी कोई पूजा पाठ कराता है घर में, तो उसमें ज़्यादा आम का पोलो, मतलब कि गांव से जो लोग बिलोंग करते हैं उन लोगों को पता होगा कि आम का पोलो का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो आम खाने से ज़्यादा आम का पेड़ का ज़रूरत है, क्योंकि उसमें आम का जो पोलो होता है वो बहुत मायने रखता है पूजा पाठ के लिए। तो उसी के चक्कर में हम लोग आए हैं, और आज यहाँ से एक आम का पेड़ लेकर जाएंगे लगाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पान का पेड़ है, जो कि लोग पान खाते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पे जो भाई साहब है वो बोल रहे हैं कि यही वाला आम आप ले जाइए लगाने के लिए, क्योंकि ये बम्बई का आम है, खूबसूरत पेड़ है, जो कि दरवाजे पे लगाने पे और बढ़िया लगेगा। और अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुधिया लंगड़ा आम जो होता है उसका पेड़।
तो ये जो आपको सामने में दिखाई दे रहा है, ये दुधिया लंगड़ा आम का पेड़ है। और यहाँ पे कुछ भाई लोग आए हैं, वो भी ले रहे हैं। ये जो है ये दुधिया लंगड़ा आम है। और यहाँ पे भैया बातचीत कर रहे हैं बैठ के कि कौन सा पेड़ है। अभी हम लोग ले रहे हैं दुधिया लंगड़ा का आम का एक पेड़, और एक समी पत्ता का पेड़, और एक करी पत्ता। अभी भाई साहब आए हैं निकालने के लिए। तो अभी भाई साहब यहाँ से आम का पेड़ निकाल लिए हैं। और याद आया, एक चमेली का भी पेड़ निकलवाना है हम लोग को। और अभी भाई साहब जा रहे हैं निकालने के लिए समी का पत्ता। और ये समी का पेड़ है, तनी बढ़िया देख के निकली हो। ये निकाल लिए हैं समी का पत्ता वाला पेड़। और अब जा रहे हैं निकालने के लिए करी पत्ता, जो कि बहुत सारे बीमारियों में काम आता है। ये रहा करी का पत्ता। और अब निकलने जा रहा है चमेली वाला पत्ता का पेड़। चमेली का पेड़ अब निकालने जा रहे हैं भाई साहब, तो वो भी आप लोगों को दिखा रहे हैं। सुगंध के राजा, गंधराज निकाला हो। अभी भाई साहब चमेली में भी एक क्वालिटी है गंधराज, वो निकालने जा रहे हैं। और शायद मिट्टी में धस गया है अंदर, तो इसको सेफ्टी से निकालना पड़ेगा। और भाई साहब इसको निकाल रहे हैं सेफ्टी से। ये रहा चमेली में भी एक अलग क्वालिटी है गंधराज का पेड़। तो इतने सारे पेड़ हम लोग ले लिए हैं, और अब ले जाकर इसको लगाएंगे अपने दरवाजे पर। भैया यहाँ पे अपना नाम लिख रहे हैं नर्सरी का जो बिल बनेगा। 3 तारीख को लोग, 4 तारीख, 4 तारीख, चार तारीख है। सभी पेड़ ले लिए हैं, और अब उसका खाद जो होता है वो हम लोग ले रहे हैं। ये खाद का करे कजी भैया, ये खाद का करे धन जन हो कोड के मतिया मिला के भर देवे के बा, ओकरा से एकरा ऊर्जा मिले बहुत ज्यादा। हाँ जी, है क्रोटेन। तो अभी हम लोग एक और पेड़ लिए हैं जिसका नाम है क्रोटेन। तो यहाँ से पेड़ लेकर हम लोग निकल गए हैं, और अभी हम लोग हैं रेलवे स्टेशन के बगल में। और यहाँ से देखिए कितना बढ़िया नजर आ रहा है। और अभी हम लोग भाई साहब यहाँ पे पहुँच गए हैं थोड़ा गन्ना का जूस पीने के लिए, क्योंकि धूप ज़्यादा हो गया है। तो ठंडा मौसम, ठंडा अपने पेट को करने के लिए थोड़ा गन्ना का जूस पी के, और हम लोग निकलते हैं रास्ते में और पहुँचते हैं अपने घर पे। तो फाइनली हम लोग घर पे पहुँच गए हैं। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं समाप्त। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।